सब आप सब कैसे हो। मेरा नाम है साथ सैयद और मैं लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो। तो गाइस ये वीडियो रिएक्शन वीडियो नहीं हो देख सकते हो, लेकिन मैं मेरे घर में बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ, बहुत अच्छा। तो जैसा कि मैंने पिछले बार मैंने वीडियो में बनाया था जिसमें मेरे इंस्टाग्राम में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। तो उस इंस्टाग्राम आईडी को मैंने साइड में हटा के रख दिया था कि क्या पता शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं हुई वो। तो फिर मैंने एक न्यू आईडी बनाई थी, उसका मैंने लिंक भी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाला था। इस वीडियो के भी लिंक में डालूँगा, उस डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगा उल्टा बुतिया। तो कुछ दिनों से मैं उस आईडी पे जो मेरी न्यू आईडी थी उसमें मैं रेगुलर पोस्ट डाले जा रहा था क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने देखा था कि अगर आप रेगुलर पोस्ट डालते हो, रील्स दिन में दो बार ऐसे डालते रहते हो, हफ्ते में कम से कम एक बार, तो आपके फॉलोअर्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इंस्टाग्राम आईडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इनसाइट्स पे इफ़ेक्ट्स पड़ता है। तो वही मैंने किया है, तो मेरे प्रोफाइल बहुत दूर दूर तक पहुँचने लग गए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मेरे फॉलोअर्स कुछ दिनों में ही इतने हो गए हैं गाइस, 2K हुए अब तक, अभी 28 फॉलोअर मुझे अभी आए जस्ट। तो गाइस क्या बताऊँ, अलग ही लेवल की खुशी है मेरे में, इतना मतलब अद्भुत, बहुत ही खुशी है। तो गाइस मेरे देख सकते हो जितने भी पोस्ट्स हैं मेरे, सब मेरे रिसेंटली है, सब के सब। तो शब्द नहीं आ रहे मेरे मुँह में, पता नहीं मतलब इतने फास्ट कैसे आए जा रहे थे मेरे को। लेकिन क्योंकि आपको मेरे इनसाइट भी दिखा दूँ, आपको इनसाइट्स देख लो मेरी, नेट स्लो चल रहा है। हाँ ये देख लीजिए, अकाउंट रीच्ड देखो कितना है मेरा, अकाउंट रीच्ड 2167 मेरा अकाउंट रीच है। और लास्ट 7 डेज का मैं आपको, रुको आपको मैं मतलब क्या बताओ यार, मैं इतना खुश हूँ ना मैं कि मेरे फॉलोअर्स पता है पहले कितने थे जब मैं आप लोगों को दिखाया था, 56 आई थिंक, सो 56 फॉलोअर्स थे, 56 ही थे। और उसके बाद से लेकर अभी कुछ महीनों ही हुए हैं, एक महीना हुआ है लगभग, तो उस टाइम से लेकर अभी तक मेरे 2K फॉलोअर्स हो चुके हैं। और बड़े ही मेहनत से मैंने किए हैं, मैं इसमें रील्स भी पोस्ट करता रहता हूँ, रील्स देख लो मेरे, रील्स भी है इतने, ये सब रील्स हैं, मैं डालते रहता हूँ, रील्स रेगुलर नहीं डालता हूँ, पोस्ट में रेगुलर रहते हैं, रोज़ पोस्ट करता हूँ मैं, और उससे भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अब मुझे पता नहीं कैसे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने कल का पोस्ट डाला हुआ है, 114, मुझे पहले इतने आते भी नहीं था। मैं पुराने पोस्ट के आप लोगों में लाइक दिखा दूँ, अभी के पोस्ट के दिखा दूँ, 51 लाइक्स है इसमें, मेरा पहला पोस्ट था ये, और बाकी के उसमें 58 दूसरा पोस्ट, और अभी के पोस्ट में मैं देखो 149 120, ऐसे सब मेरे को लाइक्स आ रहे हैं, मतलब फिर भी कम आ रहे हैं, लेकिन लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वो मुझे पता नहीं। अब लोग मुझे, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, बाकी के लोग भी मैसेज करके बोलते हैं, भाई क्या ट्रिक करता है तू, क्या हैक कर रहा है क्या अकाउंट। भाई अकाउंट मैं हैक नहीं कर रहा, नहीं मैं कुछ ट्रिक कर रहा हूँ, जो बस एक एल्गोरिदम है, जो वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, एल्गोरिदम नहीं मतलब वही उस हिसाब का, इसलिए अकाउंट रीच मेरा उतना 2K के ऊपर बहुत जा चुका है। तो बस
अगर आप लोगों को भी, अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप लोगों को भी अगर फॉलोअर्स बढ़ाना है तो यही ट्रिक करिए आप। रेगुलर स्टोरीज डालते रहिए, कम से कम 10 स्टोरीज तो आपको डालना चाहिए अकाउंट पे अपने, और रेगुलर पोस्ट करो। रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, लेकिन हफ्ते में, कम से कम हफ्ते में तो 1 बार पोस्ट आना ही चाहिए। उससे इफ़ेक्ट पड़ता है आपके अकाउंट पे, लोगों के पास जाती रहती है फ़ोटोज़, लोग लाइक करते हैं तो उसे इंस्टाग्राम देखता है कि हाँ भाई इसकी फ़ोटोज़ चल रही है, अकाउंट इसका चल रहा है, तो उसको पुश करते हैं, फिर प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करने का दूसरा भी एक है, फ़ोटोज़ अकाउंट, लेकिन उसके लिए बस पैसे लगते हैं, वो तो पता ही होगा आप लोगों, आपको अभी दिख रहा है इधर प्रमोट। अब अगर उस पर आगे क्लिक करोगे तो आपको बाकी का सब मिल जाएगा, कितने फॉलोअर्स, मतलब कितने अकाउंट रीच चाहिए आपको, किधर किधर भेजना है आपको उससे। लेकिन आपको एक और चीज़ होना चाहिए कि आपका अकाउंट फेसबुक से लिंक होना ज़रूरी है, तभी आपका प्रमोट हो पाएगा। देखो अभी मेरे को, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये सब अभी के अभी आए हैं मेरे को लाइक्स, फॉलोअर्स जो भी है। तो गाइस बस थैंक यू सो मच, मिलता है यूट्यूब से नहीं मिला है, लेकिन जैसे भी मिला है मेरे को, मेहनत की है मैंने, अपनी मेहनत है मेरी। रोज़ फ़ोटो पोस्ट करता हूँ मैं, भले ही मैं रात को करता हूँ लेकिन करता ज़रूर हूँ, क्योंकि रात को करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि रात को लोग ज़्यादातर इंस्टा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं रात को पोस्ट करता हूँ। 12 बजे से पहले तो मेरा फ़ोटो पोस्ट होता ही होता है, तो इसलिए मैं रात को पोस्ट करता हूँ क्योंकि लोग ज़्यादातर देखते हैं। और मैं दिन में रील्स, दिन में और रात को भी पोस्ट करता हूँ कभी कभी, लेकिन रील्स में रेगुलर नहीं करता, बस मेरा यही है सीन। तो गाइस बस यही बोलना था मेरा कि आप भी ऐसा देखो, अब अगर आप लोगों को जम रहा है रोज़ पोस्ट करना तो आप करो, करके देखो, नहीं जम रहा 2 दिन में 1 बार करो, या फिर 3 दिन में, या फिर हफ्ते में 1 बार पोस्ट करके देखो। बस क्या पता मेरे तरह आप लोग का भी अकाउंट चल जाए। तो जो मेरी आईडी है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके फॉलो करो, और मुझे और फॉलोअर्स चाहिए। अभी मेरा गोल है 5K का, जो मेरा 2K का गोल था वो इतना सोचा था, उससे जल्दी मेरा पूरा हो गया। मैंने सोचा था कि 2 महीने के अंदर मैं करूँगा, लेकिन 1 महीने के अंदर हो गया मेरा। अब 5K का गोल है, अब देखते हैं कब तक पूरा होगा। बस हम कोशिश करते रहेंगे कि कुछ अच्छा अच्छा करते रहे इंस्टाग्राम पे, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ही। साथ ही साथ में अभी मेरे आज के दिन 2 वीडियोस बनेंगे, दूसरा वीडियो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा किस बारे में है, तो उसमें भी मज़ा आएगा बहुत। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के बाद में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा दो। क्यों? क्योंकि जब भी मैं मेरी पहली वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कि यूट्यूब पे भी फोकस करूँ, और लेकिन इसलिए मैं अभी सोचा कि थोड़ा आइडिया लगाया जाए व्लॉग्स के, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ, डेली व्लॉग्स भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई आइडिया है ही नहीं कहाँ जाके क्या करना है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि अभी घर पे ही रहूँगा, अभी लैपटॉप भी आ चुका है मेरे पास, एडिटिंग भी और फट्टे होने वाली है। बस सब्सक्राइब कर दो, और आगे की जर्नी आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छी हो सकती है, बस मुझे सपोर्ट करो। मतलब भी एडिटिंग और कंटेंट दोनों फाड़ होने वाला है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन पीस।